हे गाइस, इसी के साथ हम बात करेंगे जो भी आपका पंजाब नेशनल बैंक का जो भी आपका एटीएम कार्ड को कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि आपको ऑफलाइन तरीके से, जैसे कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो वीडियो डालें आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार पे इस फॉर्म का लिंक दे दिया, लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आपको प्रिंट आउट करेंगे, जैसा आप प्रिंट आउट करेंगे इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे एप्लीकेशन फॉर एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो को आपको यहाँ पे चिपका देना है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपको दूसरे का भी पासपोर्ट साइज फोटो को आपको यहाँ पे चिपका देना है। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आपको ओनली आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो को चिपका देना है। उस पर है बीओ के ऑप्शन में जो भी आपका ब्रांच का नेम टाइप करेंगे, जो भी आपका ब्रांच का नेम है, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे आपको डेट, जैसे कि आपको जिस डेट को भी इस फॉर्म को फिलअप करें उस डेट को आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड, कौन सा एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं आपको यहाँ पे टिक मार करना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लासिक पर क्लिक करेंगे ताकि आपको जनरल सभी लोगों को एटीएम कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है वही मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्लासिक पर क्लिक करेंगे। अगर आपका स्पेशल कोई दूसरे चाहिए तो आपको यहाँ पे देख पा रहे किसान एटीएम कार्ड है, किसान डेबिट कार्ड है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्लासिक पर क्लिक करेंगे ताकि आपको जनरली सभी को मिलता है वही आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लासिक पर क्लिक मार करने, उसके बाद आपको क्लासिक पर आपको टिक मार करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे एक नंबर कॉलम में नेम ऑफ होल्डर नेम, जो होल्डर नेम जैसे कि आपको जो भी बैंक अकाउंट में नेम है आपको यहाँ पे नेम को टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे सेकंड ऑप्शन में जो भी आपको इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पे उनका भी नेम आपको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाली बॉक्स में आपका नेम को टाइप कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे दो नंबर कॉलम में नेम ऑफ अकाउंट होल्डर नेम, जैसे कि आपको जो भी आपका अकाउंट में आपको यहाँ पे पूरी नेम को टाइप करेंगे जो भी आपका अकाउंट में है। उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे आपका मोबाइल नंबर के ऑप्शन में जो भी आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे ईमेल आईडी के ऑप्शन में जो भी आपका ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे 16 डिजिट का अकाउंट नंबर को टाइप कर देना है जो भी आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे कौन सा टाइप का अकाउंट है, आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो आपको एसएफ टाइप करेंगे, अगर आपका करंट अकाउंट है तो सीए टाइप करेंगे। जैसे कि जनरली सभी लोगों का सेविंग अकाउंट होता है तो आपको यहाँ पे एसएफ को टाइप करेंगे। उसके बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे उसे एक साइन करना होगा, जैसे कि आपको सिग्नेचर करना होगा। अगर आपको जॉइंट अकाउंट है तो आपको यहाँ पे बाकी लोगों का भी सिग्नेचर कर सकते हैं, जैसे कि ओनली आपको इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे इस फॉर्म का फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस खत्म हो चुका है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें फिल करके आपको नियरेस्ट जो भी आपका ब्रांच में जमा दे देना है जमा देंगे, उसके बाद आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिल करके आपको नज़दीकी ब्रांच में जाकर जमा दे देना है, जैसे आप जमा देंगे उसके बाद आपको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं।